हाय गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम फटाफट से आपको बताने वाले हैं प्लम केक अमेजिंग न्यू लॉन्च के बारे में। सो जैसे कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो, अगर नहीं करते हो तो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पर भी आपको आईडी दिख जाएगी। सो अगर आप मेरी इंस्टाग्राम स्टोरीज देखते हैं तो मैं जब भी सेल्स आती है नायका पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, मैं जरूर बताती हूँ कि मेरे जो फेवरेट रीसेंट फेवरेट चल रहे हैं, चाहे स्किन केयर हो या मेकअप हो, उसमें कौन से प्रोडक्ट हैं। और अगर आप पिछली मेरी 2-3 रिकमेंडेशन देख रहे हैं तो अराउंड 3 महीने से वन ऑफ माई फेवरेट सीरम्स जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है ये नाइसिनमाइड सीरम विद राइस वाटर। सो इसका स्टार्ट हुआ था जो एक मिनी किट आती है जिसमें प्लम के सारे सीरम्स आते हैं, सो मैंने वो स्टार्ट किया था जिसमें आपको रेटिनॉल भी मिल जाता है जो मैंने अपनी मदर को ट्राई करने को बोला था। आपको विटामिन सी मिलता है, ट्राइड विटामिन सी, आई लव्ड इट, आई यूज इट इन माय पीएम रूटीन। सो गाइस नाइसिनमाइड की बात करते हैं। नाइसिनमाइड बेसिकली क्या होता है? नाइसिनमाइड इज विटामिन B3 का एक ऑल्टरनेटिव जो वाटर सॉल्युबल होता है, क्रीम्स वगैरह ये सब बना सकते हो उसको मिला के। सो नाइसिनमाइड बेसिकली हमारी जो जितनी भी आप क्रीम्स यूज करते हो जनरली उन सब में एज इंग्रेडिएंट नाइसिनमाइड होता है डालना। सो जब भी आप देखोगे ये एक्टिव में से आता है, सो एक सबसे माइल्ड एक्टिव है। एक्टिव मतलब जो विटामिन सी या रेटिनॉल ये सारी चीजें होती है इनको हम एक्टिव की कैटेगरी में डालते हैं क्योंकि एक्टिवली हमारी स्किन पे वर्क करते हैं। सो नाइसिनमाइड जो है 2% आपके जो ब्लेमिशेस होते हैं, जो मार्क्स होते हैं, उनको फेक करने में हेल्प करता है। एंड आई हैव ट्राइड इट फॉर मोर देन 3 मंथ्स, जो आई कैन अप्रूव ऑफ दैट। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोज या कुछ भी देखो जिसमें मैंने मेकअप नहीं किया हुआ है, सो मेरे यहाँ पे और कुछ यहाँ पे मार्क्स हैं। सो आई बीन यूजिंग इट डेली, मैं डेली यूज कर रही हूँ। जनरली मैं इसको सुबह में यूज करती हूँ, कभी कभी मैं नाइट टाइम में भी इसको यूज करती हूँ। सो इट हैज हेल्प मी, द नाइसिनमाइड सीरम ऑफ प्लम हैज हेल्प मी टू रिड्यूस द ब्लेमिशेस एंड स्किन को इवन टोन करने में। आप से बहुत लोग मेरी स्किन केयर वीडियोज पे या जो भी इंस्टाग्राम में यहाँ पे वीडियोज आती है उनको पूछते हो कि आपकी स्किन क्लियर कैसे है। सो मैं सबसे ज्यादा जो यूज करती हूँ रेगुलरली वो एक नाइसिनमाइड सीरम है। एंड मैं पिछले कुछ टाइम से अब ये नाइसिनमाइड मॉइस्चराइजर भी यूज कर रही हूँ। इसमें क्या बेस्ट चीज है, ये इस तरीके के वेदर के लिए बहुत अच्छा है, ये हर स्किन टाइप के पर्सन के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली ऑयली स्किन के लोगों के लिए जिनको बहुत ज्यादा क्रीमी टेक्सचर नहीं चाहिए होता, हैवी हैवी लगता है। बट ड्राई स्किन और इनफैक्ट सेंसिटिव स्किन वाले भी इसे लगा सकते हैं क्योंकि नाइसिनमाइड बहुत ज्यादा माइल्ड होता है एंड क्योंकि ये जेल फॉर्म में है तो इसे हर कोई लगा सकता है और ये हर स्किन टाइप को सूट भी करता है। सो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्लम के राइस वाटर नाइसिनमाइड 2% क्लियर मॉइस्चर जेल क्रीम की, जो एक्टिवली वर्क करता है हमारी स्किन पे और फेड करता है ब्लेमिशेस को, इवन करता है स्किन टोन और टाइटन करता है पोर्स को। और सो राइस वाटर जो है ब्लेमिशेस हटाने में, स्किन को इवन करने में, उन सब पे हेल्प करता है। सो ये जो मिक्सचर है नाइसिनमाइड का राइस वाटर के साथ, दिस इज द बेस्ट थिंग आई हैव सीन एंड हैज वर्क्ड वंडर फॉर माय स्किन। सो आप ये डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो किस तरीके से बेस्ट रिजल्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। पहले आप नाइसिनमाइड सीरम जो है इनका वो अप्लाई कीजिए, उसको अब्सॉर्ब हो जाने दीजिए, उसके बाद जो है ये नाइसिनमाइड क्रीम को अपने फेस पे लगाइए, लेट इट गेट अब्सॉर्ब्ड एंड कुछ ही दिनों में आपको बेस्ट रिजल्ट्स दिखेंगे। आउटर पैकेजिंग जो है वो हमारे यूजुअल जो प्लम के कार्डबोर्ड पैकेजिंग आती है उसमें आता है, सारी इंग्रीडियंट लिस्ट सारी चीजें इस पर लिखी हुई है। मैं आगे आपको वीडियो में साथ के साथ बताती जाती हूँ, एप्लीकेशन भी दिखाती हूँ और टेक्सचर भी दिखाती हूँ। तो अंदर से कुछ इस तरीके की ग्लास बॉटल है, 50 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट है, 100% वीगन है ये। आपको क्लेंजिंग एंड टोनिंग के बाद इसका इनफ अमाउंट अपने हैंड्स पे लेना है और इस जेल क्रीम को अप्लाई करना है। नेक एरिया को कभी मत भूलिए, जब भी आप मेकअप कर रहे हो तब भी और स्किन केयर कर रहे हो तब भी। सो आप देख सकते हो वीडियो में ही आपको पता चल रहा है कितना लिक्विड वाटर लाइक कंसिस्टेंसी है इसकी। देखो कितनी ईजिली अब्जॉर्ब, ईजिली स्किन पर अब्जॉर्ब हो गया और कितनी शाइनी, कितनी अच्छी स्किन लग रही है। ये मेरा एक्सपीरियंस था नाइसिनमाइड सीरम और मॉइस्चराइजर का प्लम का। अगर आपने यूज़ किया है और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है मुझे जरूर बताना एंड आई एम श्योर एक्सपीरियंस। अगर ये सब बाय करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो 10% ऑफ के लिए। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।